सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। क्या अंगद? What is this? मेरा रेजिग्नेशन। अगर सृष्टि एजे कंस्ट्रक्शन के लिए काम नहीं कर सकती तो मैं भी नहीं करूंगा। मां, मुझे तो नहीं लगता कि अंगद सृष्टि के टर्मिनेशन लेटर पर साइन करेगा। कर दिया साईं। अब आपको साइन करना है मेरे रेजिग्नेशन लेटर पे। क्या बोल रहे हो तुम अंगद? मैं तुम्हें उस लड़की से दूर करना चाह रही हूँ और तुम? माँ, आप मुझे उस लड़की से दूर नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। माँ, वो मेरा हिस्सा है। वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी दौलत का हिस्सा बनना चाहती है। यही गलतफहमी है माँ आपकी। और अपनी जिद के आगे ना आप किसी की बात सुनना समझना भी नहीं चाहती। अगर जिद आपकी है तो जिद मेरी भी है क्योंकि इस बार मैं गलत नहीं हूं। मां, आप गलत हैं। मैं गलत नहीं हूं अंगद, वो लड़की गलत है। अरे उस दो कौड़ी की लड़की के लिए तुम मत। जिस लड़की के लिए आप इतने अपशब्द यूज कर रही हैं ना, वो आपकी होने वाली बहू है और मेरी होने वाली पत्नी। मैं उसकी इंसल्ट नहीं सुनूंगा मां। और आपको जो कहना था करना था आप कर चुकी हैं, वही होगा जो मैं चाहता हूं। हाँ, मैं आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था लेकिन अगर आप मुझे यही चॉइस दे रही हो तो मैं सृष्टि को चूज करूंगा। क्योंकि मां, मैंने उससे वादा किया है कि मैं जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और मां, वादा निभाना तो मैंने आपसे ही सीखा है ना। कंपनी छोड़ने से आज मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं क्योंकि मुझे यकीन है कि पैसा, पावर और प्रॉपर्टी जाने के बाद वो लड़की तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगी। तो ठीक है मां, ये भी देख लेते हैं
कि आपकी सृष्टि से जुड़ी गलतफहमी जीतती है या क्या मेरा उससे जुड़ा भरोसा। Excuse me, ma'am. May I come in? सार्थक, मेरे कैबिन में आने के लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत कब से पड़ने लगी? जब से तुमने हमें इस बात का एहसास करवाया है कि हम इस कंपनी के एक छोटे से एम्प्लॉय। एनीवेज, This is my resignation. हमने साइन कर दिया है, तुम भी कर दो। और हां, ये इसलिए नहीं है कि हम सृष्टि के पास जाना चाहते हैं। You know, बात सिर्फ इतनी सी है कि अब हमारे बीच में ना तो दोस्ती बची और ना ही भरोसा, और ऐसे में साथ में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। What the hell? I thought सार्थक टर्मिनेशन के प्रेशर में सृष्टि के लिए जिद छोड़ देगा, लेकिन ये तो मुझे ही छोड़ रहा है। तुमने कहा था ना, आई शुड टेक अ ब्रेक। यू आर राइट, हमें ब्रेक की जरूरत है। तुम्हारे इस डोमिनेटिंग और शक्की बिहेवियर की वजह से, क्योंकि अब हमें यह बर्दाश्त नहीं होता। कहीं हम कल को कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसकी वजह से हम दोनों को आने वाले कल में तकलीफ हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। सर, तो भूलो मत, तुम आज जो कुछ भी हो ना, सब कुछ मेरे वजह से हो। सो ऑफ कोर्स मैं डोमिनेट करूंगी। और वैसे भी तुम ये कंपनी छोड़ के जाओगे कहां? ये जॉब, ये सर्विसेज, ये पैकेज कहां मिलेगा तुम्हें ये सब? हो सकता है कि ना मिले, पर मायरा, हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। यू नो, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स, अपनी मेहनत और लगन पर इतना भरोसा तो है ही हमें, जिसे देखकर तुमने हमें इन्वेस्ट किया था। अगर हम तुमसे अपनी जॉब वापस पाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाकारा है। बहुत कुछ बाकी है मायरा। या बट वो इन्वेस्टमेंट्स मैंने किसी एम्प्लॉय में नहीं, अपने बॉयफ्रेंड में की थी, जो शायद कोई कंपनी नहीं करेगी। और तुम्हें ये हायर लाइफस्टाइल की आदत हो चुकी है, एंड आई डोंट थिंक कि तुम इसके बिना रह पाओगे। मायरा, शायद तुम भूल गई हो कि हमने हमारी अब तक की जिंदगी ना एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बिताई है। बिना लाइट के पता नहीं हम कितनी रातों छत पर सोए, एक बाल्टी पानी के लिए पता नहीं कितनी लंबी लाइनों में लगे। तो ये एक दो साल का जो ऐशो आराम है ना, वो हमारे सर पर इतना नहीं चढ़ा है कि इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। एंड यू नो व्हाट, अब हमें जिंदगी के बारे में एक चीज अच्छे से समझ में आ गई।
कि जिंदगी में सुख सुविधाओं से ज्यादा जरूरी है सुकून। और अगर तुम्हें हमारी इतनी ही चिंता है ना, तो हमें थोड़ा सा सुकून दे दो, और हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। गुड बाय। आई न्यू इट, ये कैबिन भी पार नहीं कर पाऊंगी। And you will realize कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। Now come and say sorry. Sorry तो अब तुम कहोगी मायला, पर वैसे भी अच्छा है, तुमसे थोड़े दिन दूर रहेंगे तो सृष्टि पर ध्यान दे पाएंगे। अगर तुम जैसे अच्छे लोगों के साथ इस तरह से गलत होता रहेगा तो हमारा तो धीरे धीरे अच्छाई पर से विश्वास ही उठ जाएगा। तुम इन सब की हकदार नहीं हो बेटा। जी तो करता है कि अभी जाकर हम सुधा जी को तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में बताएं, उन्हें समझाएं कि वो किस हीरे को खो रही हैं। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। आप वहां हरगिज नहीं जाएंगे। हमसे चाहे कोई कुछ भी कह ले, अपमान कर भी दे, हम सह लेंगे। अगर आपके बारे में हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते तो फिर बेटा इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? क्या करें हम? कुछ नहीं, बस अंगद पर भरोसा कीजिए। हमें लगता है कि अंगद सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें पूरा भरोसा है उन पर। सार्थक, हेलो। हाँ शशि, कैसी हो? ठीक है। अंगद की माँ ने शादी के लिए हाँ कहा? अभी नहीं। अब हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि वो इस रिश्ते के लिए मान जाए। I'm sorry सृष्टि, हमारी गलतियों की सजा तुम आज तक भुगत रही हो। तुमने तो तब भी रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की थी, पर हम ही नहीं माने। अगर उस वक्त हम समझ जाते, संभल जाते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। शायद इसी को तो किस्मत कहते हैं सार्थक। उस वक्त तुम्हारे पापा तुमसे कह रहे थे कि सृष्टि को मत छोड़ो, पर तुमने उनकी नहीं सुनी। महाराज, अंगद की माँ उनसे कह रही है कि सृष्टि को छोड़ दो, पर वो है कि मान ही नहीं रहे हैं। हर हाल में तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। शायद ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था हमें हमेशा से, जो हमारे साथ खड़ा रहे। हम पर विश्वास करे, हर हाल में उसे हम पर भरोसा हो। जानते हो सार्थक,
लाइफ पार्टनर का असली मतलब मैं अंगद ने ही समझाया है। हो सकता है, पर तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि एक वक्त पर हम भी ऐसे ही हुआ करते थे। अपने प्यार के लिए, तुमसे शादी करने के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ गए थे। याद है तुम्हें वो सोसाइटी में छत पर हमारा छुप छुप के मिलना? पंप हाउस में जब हम बंद हो गए थे और उसके बाद कितना बड़ा तमाशा हुआ था। और वो लड़का जो तुमसे सगाई करने आया था उसको हमने क्या फायदा है? बीते वक्त की चाहे जितनी बातें कर लो, जो वक्त गुजर गया वो वापस तो नहीं आएगा। अगर कुछ मायने रखता है तो वो हमारा आज है, जिसके बिना पर आने वाला कल तय होता है। और हम जानते हैं हमारा आज और आने वाले कल में सिर्फ अंगद है। हम बहुत खुश हैं उनके साथ। अच्छा है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अच्छी बात है। तुम खुश हो तो हम भी खुश, तुम्हारी खुशी तो चाहते हैं। खैर, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। पापा, भले ही हमारी शादी टूट गई है, अगर उसकी वजह से हम सार्थक के मन में कोई उम्मीद नहीं जगाना चाहते, कोई झूठी आस नहीं देना चाहते उससे, उसके सामने सब कुछ साफ रखना चाहते हैं। विश्वास है कि भगवान कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। प्लीज मान जाइए, अंगद भी इस घर का बेटा है। इस प्रॉपर्टी पर, बिजनेस पर जितना हमारा हक है उसका भी उतना ही हक है मॉम। हम उसे बेदखल नहीं कर सकते। लेकिन उसे इस तरह से अपनी मनमानी भी नहीं करने दे सकती मैं। मैंने आज तक जितने भी फैसले लिए हैं उसकी भलाई के लिए लिए हैं, फिर आज उसे अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद करने दूं मैं? मैं समझ सकता हूं मॉम, लेकिन आप ही कहती हैं ये हर लड़ाई में शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं होती। ऐसी कई लड़ाइयां हैं जो दिमाग से लड़ी जाती हैं। ये भी लड़ाई उसी में की है मॉम। जिस तरह उस चलाक सृष्टि ने अंगद को हमसे अलग किया है, ठीक उसी तरह हम भी अंगद को सृष्टि से दूर करेंगे। ठीक है, तुम भी अपना लो अपना तरीका, कर लो जो करना है।
थैंक यू मॉम। गौतम को क्या हो गया? ये अचानक हीरो क्यों बन रहे हैं? नबीली, मॉम को आराम करने दो। What is wrong with you, Gautam? अगर अंगद रिजाइन कर रहा है तो उसे करने दो। तुम उसे वापस लाने के लिए माँ को मना क्यों रहे हो? Gautam, I'm asking you something. Will you please answer me? खेल को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं जानेमन। पूरा खेल खेल कर उसे जीतने का जो मजा होता है ना, वो अलग होता है। नहीं समझी? मैं समझाता हूं। अंगद अपनी मर्जी से अगर चाहता है तो अपनी मर्जी से वापस आ भी जाएगा। उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा और इससे हमारा खेल हो जाएगा खराब। अगर हमें ये गेम जीतना है तो अंगद का इस घर में रहना बहुत जरूरी है। गौतम, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अंगद होगा बर्बाद और हम होंगे आबाद।